अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सभी भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे। आप गाड़ी को स्कैनर लगाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस और माइनस में नज़र आ रही होती हैं। इनका मकसद क्या होता है और इन वैल्यूज़ को देखकर हम गाड़ी में जो एवरेज का इशू आ रहा होता है उसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और ये वैल्यूज़ होनी कितनी चाहिए। फ्यूल टर्म वो एडजस्टमेंट होती है जो इंजन का ECU फ्यूल मिक्सचर के साथ करता है एयर फ्यूल रेशो को बैलेंस रखने के लिए। अब एयर फ्यूल रेशो क्या चीज़ है और इंजन का ECU फ्यूल मिक्सचर को एयर फ्यूल रेशो के मुताबिक क्यों बैलेंस रखने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, किसी भी पेट्रोल इंजन को ठीक तरीके से स्टार्ट रखने और चलाने के लिए एयर और फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब कितनी मकदार में फ्यूल जाए और कितनी मकदार में एयर इंजन के कम्बस्टन चैम्बर में जाए जिसे वो पूरी तरह बर्न कर सके और इंजन अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसे एयर फ्यूल रेशो भी कहते हैं। ये पेट्रोल इंजन के लिए है 14.7% एयर और 1% फ्यूल। इस तनासब के साथ या इस एयर फ्यूल रेशो के साथ जो गाड़ी का इंजन है ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है और ये एयर फ्यूल रेशो गाड़ी के जो ECU है उसकी परमानेंट मेमोरी में ये फार्मूला सेव होता है और उसी मुताबिक इंजन का ECU इस फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल और हवा को मिक्स करने की कोशिश करता है। उस पेट्रोल और हवा के तनासब के साथ इंजन अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है। मिसाल के तौर पर अगर इंजन में फ्यूल 1 ग्राम जा रहा है तो उस फ्यूल को मुकम्मल तौर पर जलाने के लिए 14.7 ग्राम एयर दरकार होगी। इसलिए कार का ECU फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस रखने के लिए कोशिश करता रहता है ताकि इंजन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे, ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो, आइडल क्वालिटी अच्छी हो, पेट्रोल की एवरेज अच्छी दे, इजाफी गैसें पैदा ना हो और इंजन की लाइफ भी ज़्यादा हो। अब समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लीन और रिच कंडीशन क्या चीज़ें हैं। इंजन को सही तरीके से चलाने के लिए दरकार पेट्रोल की मकदार के अनुसार इंजन में जाने वाली एयर की मकदार पर होता है। चूंकि ड्राइवर एक्सेलेटर पैडल से एयर को कंट्रोल करता है जबकि ECU सिर्फ फ्यूल को कंट्रोल कर सकता है, इंजन कंप्यूटर इंजन में जाने वाली एयर की मकदार की पैमाइश करने के लिए एयर सेंसर और मैप सेंसर का इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद फार्मूला 14.7% हवा और 1% पेट्रोल उससे कैलकुलेशन करता है और फिर एयर जो इंजन में दाखिल हो रही है उसके मुताबिक इंजेक्टर पल्स की चौड़ाई को कम करता है और ज़्यादा करता है ताकि एयर फ्यूल रेशो बैलेंस रहे। कंप्यूटर जो सारे सेंसर से डेटा लेने के बाद इंजेक्टर पल्स को कम या ज़्यादा कर रहा होता है, ये इसके लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ होती हैं। ये आपको प्लस और माइनस में नज़र आती हैं, 5% या 10% भी ये होती हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म क्या चीज़ है। शॉर्ट टर्म एग्जॉस्ट गैसेस में मौजूद ऑक्सीजन की मकदार में तब्दीली की सूरत में ज़ाहिर होती हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रीम में बहने वाले ऑक्सीजन की निगरानी सिलेंसर में लगे हुए सेंसर से होती है। उस सेंसर को ऑक्सीजन सेंसर या ऑटो सेंसर भी कहते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रीम में बहने वाले ऑक्सीजन की मकदार के हिसाब से ऑटो सेंसर के वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं। और स्कैनर पर आपको जो शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ हैं जो नॉर्मल होनी चाहिए ये 1-2% होनी चाहिए प्लस माइनस में। कार का ECU फ्यूल मिक्सचर के साथ एडजस्टमेंट करता रहता है ताकि एयर फ्यूल रेशो 14.7% एयर और 1% फ्यूल इस फार्मूला के मुताबिक रहे, क्योंकि इस फार्मूला या इस खुराक एयर और पेट्रोल की खुराक के साथ इंजन हेल्थी चलता है, पेट्रोल की एवरेज अच्छी देता है, आइडल क्वालिटी अच्छी होती है, ड्राइवेबिलिटी अच्छी होती है और इंजन देर पर चलता है। तो कंप्यूटर इसलिए इस एयर फ्यूल रेशो के मुताबिक उसे करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, रिच कंडीशन क्या चीज़ है। अगर इंजन में एयर 12:1 की मुनासबत या नस्बत से जा रही है तो ये मिक्सचर रिच है, क्योंकि एयर फ्यूल रेशो जो इसका फार्मूला है ये
14.7% है और एयर और 1% फ्यूल होना चाहिए, तो इसमें 12:1 की नस्बत है या मुनासबत है, तो ये 12% एयर कम है तो इसीलिए ये मिक्सचर रिच है। रिच मिक्सचर के साथ आपका जो इंजन है ये आपको पावर ज़्यादा देगा और साथ में क्या करेगा कि पेट्रोल की एवरेज भी आपको कम देगा। और जब मिक्सचर रिच होगा तो ऑटो सेंसर के वोल्टेज भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो ECU को रिपोर्ट करते हैं कि मिक्सचर रिच है। फिर ECU अपनी मेमोरी में मौजूद फार्मूला जो कि 14.7% एयर और 1% फ्यूल है उसके मुताबिक कैलकुलेशन करता है और लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ को एडजस्ट करता है। जब मिक्सचर रिच होगा तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू आपको ज़्यादा माइनस में नज़र आएंगी, नॉर्मल की नस्बत ज़्यादा माइनस में नज़र आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये दिए हुए फार्मूला के मुताबिक जो इंजेक्टर पल्स को कम कर रहा होता है, इसलिए रीडिंग आपको माइनस में मिलेंगी लॉन्ग टर्म की। लीन मिक्सचर जब इंजन में एयर और पेट्रोल 16:1 की नस्बत से या मुनासबत से जा रहा होगा तो ये मिक्सचर लीन होगा, क्योंकि एयर ज़्यादा है और पेट्रोल कम है। तो जब जो मिक्सचर होगा लीन होगा तो लीन मिक्सचर में जो आपकी गाड़ी का इंजन है उसकी पावर कम होगी, पेट्रोल की एवरेज थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, लेकिन साथ में क्या होगा कि इंजन जो आपकी गाड़ी की पावर और गाड़ी मिसिंग भी कर सकती है अगर ज़्यादा लीन होगी, और एमिशन भी ज़्यादा पैदा होंगी, गैसें ज़्यादा पैदा होंगी जो हार्मफुल होती हैं सेहत के लिए। लीन मिक्सचर में ऑक्सीजन सेंसर के जो वोल्टेज हैं ये आपको कम मिलेंगे और कम वोल्टेज का सिग्नल ECU तक जाएगा, और ECU को जब ये सिग्नल मिलेगा तो ECU क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ को पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि वो इंजेक्टर पल्स को बढ़ाकर एयर के मुताबिक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एयर 16% जा रही है और पेट्रोल 1% है। तो जो इस ये फार्मूला है 14.7% हवा और 1% फ्यूल, इस फार्मूला के मुताबिक तो दोस्तों थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, मिक्सचर को लीन और रिच करके और ऑटो सेंसर का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इंटेक में से एक पाइप उतारा हुआ है और जैसे ही एयर को छोड़ते हैं तो ऑटो सेंसर के वोल्टेज भी आपको कम मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर लीन हो रहा है, एयर ज़्यादा जा रही है और पेट्रोल तो उतना ही है। ठीक है जी, तो ऑटो सेंसर का जो कम वोल्टेज का सिग्नल ECU को जा रहा है, इससे ECU जो गाड़ी का है ये समझ जाएगा कि मिक्सचर लीन है यानी कि एयर ज़्यादा जा रही है और पेट्रोल कम है। तो ऑटो सेंसर क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म के नंबर्स हैं उन्हें पॉजिटिव नंबर में करेगा, यानी कि इंजेक्टर पल्स को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म के जो नंबर हैं वो जमा में आएंगे, क्योंकि उसने इंजेक्टर पल्स को बढ़ा के पेट्रोल को ज़्यादा करना है एयर के मुताबिक, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा लॉन्ग टर्म के नंबर्स को पॉजिटिव नंबर में बढ़ाता जाएगा, क्योंकि ऑटो सेंसर का उसे जो सिग्नल मिल रहा है उसी के मुताबिक उसने काम करना है। तो ऑटो सेंसर का जो सिग्नल है ये उसे लीन का मिल रहा है, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि पाइप को बंद करते हैं तो ऑटो सेंसर फिर दोबारा से प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है, जिससे ECU को सिग्नल जाता है कि हाँ मामला ठीक है, तो वो फिर इंजेक्टर पल्स को या लॉन्ग टर्म को अपनी नॉर्मल हालत में ले आता है। ठीक है, अभी इसे थोड़ा रिच करके भी देखते हैं। ठीक है, रिच मिक्सचर से ऑटो सेंसर के वोल्टेज ज़्यादा होंगे, ये आप देख सकते हैं जैसे ही उसे क्लीनर इंटेक में जाता है ऑटो सेंसर के जो वोल्टेज हैं ये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये रिच मिक्सचर का जो सिग्नल है ऑटो सेंसर से रिच मिक्सचर का सिग्नल जा रहा है ECU को, तो ECU क्या करेगा क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, तो जो इसका ECU है ये इंजेक्टर पल्स को कम करेगा और लॉन्ग टर्म के जो नंबर्स हैं आपको ये माइनस में मिलेंगे, क्योंकि एयर को तो वो कंट्रोल कर नहीं सकता, उसने सिर्फ पेट्रोल को कंट्रोल करना है, तो वो जो इंजेक्टर पल्स है उसको जब कम करेगा तो लॉन्ग टर्म के नंबर्स आपको माइनस में मिलेंगे, ये 5% भी हो सकते हैं और 10% भी हो सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी गाड़ी का जो पेट्रोल की एवरेज का इशू है ये आप हल कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के नंबर्स हैं ये आपको प्लस माइनस 3% मिलने चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ हैं ये भी आपको प्लस माइनस 3% या 4% होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म पे वीडियो थी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में भी याद रखिएगा।